हिम्मत, ताकत, कायदाना सलाहियत और बहादुरी। भेड़ बकरियां चरवाहे के पीछे सर झुकाए चलती रहती हैं झुंड में। उन्हें पता भी नहीं होता कि वो जा कहां रही है। हजारों बार उन्हें काटने के लिए ले जाया जाता है स्लॉटर हाउस, लेकिन वो चलती रहती हैं। वो चलती रहती हैं क्योंकि वो नहीं जानती कि कायदा किसे कहते हैं। जबकि एक शेर वो राज करता है, वो जानता है कि यहां हिम्मत चाहिए डटकर खड़े रहने और अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए, ताकत चाहिए अपनी मनचाही मंजिल को पाने के लिए, और अगर दूसरे साथ छोड़ भी जाएं तो अपने कदम जमाए रखने के लिए। ये सिर्फ तुम ही हो जो अपने लिए सही और गलत को पहचान सकते हो। सिर्फ तुम ही हो जो जानते हो कि कौन सा रास्ता चुना है। तुम ही हो जो अपनी ताकत को पहचानते हो। और तुम्हारी ताकत दो चीजें हैं, एक तुम्हारा दिल और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एटीट्यूड। एटीट्यूड ये उस चीज का नाम है जो तुम अपने बारे में सोचते हो, जो तुम करते हो और जो तुम अपने आप में महसूस करते हो। और ये एटीट्यूड ही सब कुछ है। जानना चाहोगे क्यों? चाहे तुम जीतो या हारो, उसकी वजह वो एटीट्यूड है जो तुमने अपनी परफॉर्मेंस के वक्त दिखाया। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हर सक्सेसफुल इंसान मुश्किल वक्तों से गुजरता है। मैं इसके बारे में जानता हूं और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो आज मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स तुम्हें नजर आते हैं, उनकी उस पोजीशन के पीछे, उनकी उस हालत के पीछे जो वजह है, वो पैसा या जायदाद नहीं, बल्कि उनका अपना एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड जिसने उन्हें आगे बढ़ते रहने में मदद की, वो उन्हें सहारा देता है।